हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ मेघना और मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर मेघना। सो फ्रेंड्स, आज है कजरी तीज और मैं अपना ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। कजरी तीज का हमारे यहाँ फास्ट होता है, बहुत बड़ी तीज मानी जाती है ये हमारे यहाँ, तो उसका आज मैंने व्रत रखा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ तैयार भी होना चाहिए। तो मैंने ये इयररिंग्स पहने हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और लिपस्टिक लगाया है और काजल लगाया है और ड्राई सिंदूर पहना है। आज मैंने वैसा सिंदूर नहीं लगाया, और ये मंगलसूत्र पहना है, हरी हरी चूड़ियाँ इस तरह से पहनी है। कैसी लग रही है प्लीज़ आप बताइएगा। मेहंदी भी लगा ली है, कैसी लग रही है बताइएगा। सो आज का मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, अभी बज रहा है 11, तो अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं क्या क्या कैसे कैसे करती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरी नेल पेंट नहीं लगी है अभी, तो मैं नेल को रिमूव करके और फिर नेल पेंट अप्लाई करूँगी। वैसे तो मैं सब रेडी हो गई हूँ और मैंने आज पायल भी पहन लिया है। फेस्टिवल फेस्टिवल वाला फील आना चाहिए ना, जब हम अच्छे से रेडी होंगे तभी फील आएगा। और बालों को अभी मैंने खुला छोड़ दिया है, और थोड़ी देर बाद इसको तो बाल तो बंद ही जाते हैं। तो आज मैंने सुबह जब 3 बजे उठकर हमारे यहाँ कुछ कुछ खाया जाता है, तो वो मैंने खा लिया था। मैंने सोचा था वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी, अपना सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। एक तो नींद नींद में रहते हैं, ऊपर से क्या कहते हैं कुछ कुछ खाना होता है, मन भी नहीं करता है सुबह खाने का, बट मैं अगर चाय नहीं पीती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से मैंने चाय से मठरी खाई थी, वो काजू वाली जो मठरी मार्केट में मिलती है ना, वही खा लिया था। मन नहीं हो रहा था कुछ भी और ऐसा वैसा खाने का, तो मैंने उससे बस चाय पी ली थी। चाय पीना बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए, अगर मैं चाय नहीं पीऊँगी तो मेरे को सर में चढ़ने लगता है। तो बस यही सब किया है। और सिग भी मैंने इस बार अपनी बाहर बनवाई है, सिग बनती है, मैं आपको दिखाऊंगी शाम को। तो वो मैंने आज इस बार अपनी बाहर बनवाई है, वैसे मैं घर पे ही बनाती हूँ। और आपको तो पता ही है शिफ्टिंग वगैरह के लिए थोड़ा थोड़ा प्रोसेस चालू कर लिया है, तो पॉसिबल नहीं हो पाया और मैंने इस बार बाहर से बनवाई है। तो बस यही सब चल रहा है। और मैं तो आज कुछ खाऊंगी नहीं, तो मेरा तो फास्ट है, और बिहान के लिए और उसके पापा के लिए मैं खाना बना के दूँगी। आलू की भाजी बना दूँगी सिंपल, उनको सूखी भाजी से क्या कहते हैं पूड़ी पसंद है, तो मैं उनके लिए वही बना दूँगी। तो बस इसी तरह से आज दिन चलेगा, और कैसे कैसे क्या क्या मैं करूँगी वो तो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी आज। सो चलिए नेल पेंट अप्लाई कर लेते हैं।
दूध पीकर सो गया था, तो अभी मैं बॉटल वॉश करके रख दूँगी। सुबह जल्दी उठ गया था इस वजह से अभी सो गया है, उठेगा तब मैं उसको खाना पीना जो भी खाएगा खा लेगा। और अभी बज चुका है 1, तो मैं सोच रही हूँ खाना भी बना देती हूँ, उसके पापा भी आएंगे खाने के लिए, तो चलिए डिनर अब सॉरी लंच रेडी कर लेते हैं। तो मैं दोनों टाइम के हिसाब से बनाऊंगी, आज मैं तो खाना खाऊंगी नहीं, तो इन दोनों को ही खाना है, विहान और उसके पापा को, तो अभी ही बना दूंगी। तो ये बोल रहे थे आलू के सूखी सब्ज़ी बना देना और पूड़ी बना देना, तो वो हम लोग खा लेंगे, तो वही करूंगी। और लाएंगे तो दही ले आएंगे, ये इनको दही बहुत अच्छा लगता है, सब्जी हो सूखी और दही हो तो ये खुशी खुशी खा लेते हैं। और बिहान को तो आलू पूड़ी बहुत पसंद है, तो दोनों का हो जाएगा। और मेरा व्रत कैसे खोलूँगी क्या करूँगी वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। Oh, 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 oh,
किया ही नहीं है आज बिल्कुल। और मैंने लंच बनाया, लंच के बाद मैंने कोई आपसे बात ही नहीं किया, सो उसके लिए सॉरी। और मैं अभी हो गई हूँ रेडी, और मैंने पहनी है साड़ी, आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से है ये, मेरी फेरों की साड़ी है, सो वही मैंने आज पहनी है। और मैंने आपको अपना, मैंने पूरा मेकअप अपना किया है आज, कहते हैं ना 16 श्रृंगार वो पूरे हैं। और बस मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने बोला था कि आप साड़ी भी कभी पहनो, सो आज मैंने साड़ी पहन लिया है, तो आप देख सकते हैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में, प्लीज़ बताइएगा। और अभी टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, मुझे पूजा भी करनी है, तो मैं जा रही हूँ अभी पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं साड़ी में, प्लीज़ बताइएगा। एक बार और आपको बताती हूँ इस तरह। आई रियली होप आपको पसंद है। मैं अभी पूजा कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, पूजा मैंने कर ली है, और बस अभी बस चांद का वेट कर रहे हैं। चांद आ जाए तो व्रत खोल देंगे। चांद आज अभी नहीं निकला है, 10:15 हो गया है, तो बस उसी का वेट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अभी पूजा करके ऊपर से, और चांद निकल आया, 10:30 बजे चांद निकला है, तो 10:15 बजे निकल आया था, मतलब 10:30 बजे मैं आ गई। और बस अब वो जो सातू है वो मैं खाऊंगी, दिखाती हूँ आपको। सो ये रखा हुआ है मेरा सातू, सो आज बस यही खाएंगे, इसी से अपना व्रत खोलूंगी। सो चलिए मैं अपना व्रत खोल लेती हूँ, और मैं आपसे अब सुबह मिलूंगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अभी मेरी पूजा वगैरह हो गई, और मैं नहाकर वही वाली कुर्ती पहन ली है जो मैंने कल पहनी थी। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये इस तरह से हमारे यहाँ सेक खाया जाता है, तो ये साइवन वाइट मैंने बना के रखे हैं, इसमें नीचे नीम की पत्ती होती है, तो इस तरह से इसको खाया जाता है। और रात को मैं आपको दिखा नहीं पाई कि मैंने क्या खाया, रात को भी मैंने यही खाया था, और ये 7 बाइट खाए जाते हैं। और जो भी जितना भी आपको लड्डू भाए उतना खा लेते हैं। और फ्रेंड्स, पंचामृत जो बनता है वो बना लेते हैं, तो उसके साथ खाया जाता है, और रात में खाना नहीं खाया जाता हमारे यहाँ। तो इसी तरह से मैं बस इसी को अभी खा लूँगी, और उसके बाद ही मैं कुछ खा पी सकती हूँ अब, जैसे चाय वगैरह जो भी है, तो मैं इसके खाने के बाद ले लूँगी, तो मैं खा लेती हूँ अभी। कितने प्रतिशत भाग दे कभी चाय से मक्खी हटा कर वही चाय पी ली है, आप इस अपने एक्सपीरियंस
नीम जो है वो कड़वी लगती है थोड़ी। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, आलू की सब्जी कल बनाई थी मैंने और पूड़ी बच गए थे वो दो, और थोड़ा सा नमकीन और एक कप चाय। आई नो चाय थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि कल मैंने चाय नहीं पी थी, तो इस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा मन हो रहा है कि मैं ज़्यादा करके चाय पीऊँ। तो बस यही सब है, मैं इंजॉय करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। सो फ्रेंड, यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो, कल के जैसे मैंने तीज का ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई, पर जो भी दिखाया अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली मेम्बर्स जिसके भी साथ आप चाहें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई रियली होप आपको पसंद आया होगा। सो हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ यू। मेरे यहाँ ये वाली तीज इस तरह से मनाई जाती है, मैंने आपको बताया। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे, बाय।